नमस्ते दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में मित्रों शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर 2022 से शुरू हो रहा है इसका समापन 5 अक्टूबर 2022 को होगा साल में चार नवरात्रि होती हैं दो गुप्त और दो प्रत्यक्ष हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिवदा तिथि से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो जाती है नौ दिनों तक चलने वाले शारदीय नवरात्रि में देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है और दसवीं के दिन दशहरा मनाया जाता है नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना का विधान होता है शुभ मुहूर्त में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना से विशेष फलों की प्राप्ति होती है आइए जानते हैं घट स्थापना मुहूर्त और विधि किस प्रकार से माँ की पूजा उपासना करने से आप लोगों को सुख शांति मिलने वाली है और किस प्रकार से जीवन में आप सफलता को प्राप्त करने वाले हैं शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलेगा आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिभा तिथि प्रारंभ होगी 26 सितंबर दो सुबह तीन बजकर चौबीस मिनट पर वहीं आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि समाप्त तो होगी 27 सितंबर 2022 सुबह आठ बजकर तीन बजकर आठ मिनट पर वहीं अभिजीत मुहूर्त 26 सितंबर सुबह ग्यारह बजकर चौवन मिनट से दोपहर बारह बजकर बयालीस मिनट तक रहेगा घट स्थापना मुहूर्त 26 सितंबर 2022 को 6:20 सुबह से लेकर सुबह 10:20 तक रहेगा वहीं नवरात्रि में घट स्थापना की विधि इस प्रकार से है नवरात्रि में देवी जी की पूजा का फल तभी मिलता है जब नियमों का ध्यान रखा जाए नवरात्रि के दिन पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में पवित्र मिट्टी रखें और उसमें जो बोए पूजा स्थान या ईशान कोण में कलश स्थापना शुभ मानी जाती है यहाँ गंगा जल छिड़क कर साफ सफाई लें पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और इस पर दुर्गा जी की तस्वीर स्थापित कर लें एक तांबे या मिट्टी के कलश में गंगा जल या स्वच्छ जल को भरकर जिसमें सिक्का अक्षत सुपारी लौंग के जोड़े और दुर्वा घास डालें कलश के मुख पर मोली बांध दें एक नारियल पर लाल चूरि को मोली से बांध दें कलश में आम के पत्ते लगाकर उस पर नारियल रख दें। आप जो वाले पात्र और कलश को माँ दुर्गा की फोटो के दाई और स्थापित कर दें कलश स्थापना पूरी कर माँ जगदम्बा की पूजा करें आप लोगों की सारी इच्छाएं सारी मनोकामनाएं सारे सकते हैं माँ दुर्गा पूर्ण करने वाली हैं आप कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मा दुर्गा जरूर लिखे